वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टॉर्म शैडो। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। देखो, क्लास टेन में अगर आप हो तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और 12 से 14 नंबर यानी ट्रिग्नोमेट्री से टोटल मिला लो आपकी 15 नंबर के आसपास का सवाल रहता है। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री समझने से पहले आपको तीन इसके इम्पॉर्टेंट टर्म्स को समझना होगा। पहला हाइपोटेनियस, दूसरा परपेंडिकुलर और तीसरा बेस। अगर आपने ये तीनों कौन समझ लिया है, तीनों टर्म, तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। तो समझ लेते हैं। मान पहले हम लोग एक बनाते हैं और राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो पहले मैं एक राइट ट्रायंगल बना लेता हूँ, इसका नेमिंग कर देता हूँ ए बी सी, और ऐसा मानता हूँ कि मैं बी पर 90 डिग्री ये है। तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल की खासियत क्या होती है, कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो एंगल बी यहाँ पे 90 डिग्री हमने मान लिया। तो इसमें हाइपोटेनियस कौन है? देखो, जो भी 90 डिग्री के ठीक सामने वाला, इसके ठीक सामने यानी कि ये वाला लाइन यानी ए सी, इसको ही हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, यानी एच से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा ए सी क्या हुआ? हाइपोटेनियस। अब कन्फ्यूजन जो शुरू होता है स्टूडेंट्स के बीच में, वो परपेंडिकुलर और बेस को लेकर, इसको परपेंडिकुलर मानूँ या इसको मानूँ, समझ ही में नहीं आता है। तो देखो, जिसका भी रेफरेंस एंगल लिया जाता है, जैसे कि अगर आपको एंगल ए के बारे में पूछा जा रहा है, एंगल ए से, एंगल ए आपका रेफरेंस है, तो जिस एंगल के बारे में बात की जा रही है ना, उस एंगल के ठीक सामने वाला, एकदम इनसे सामने वाला, ये परपेंडिकुलर हो जाता है। और ये एंगल जिस पे टिका हुआ है वो बेस हो जाता है, यानी ये बेस हो गया। उसी तरह से अगर हम एंगल सी की बात करें, अगर हमारा रेफरेंस एंगल सी है, तो इस सी के लिए उसके ठीक सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस में आपको क्लियर होना चाहिए। अगर एंगल, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर एंगल ए आपका रेफरेंस है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और जिस पे ये टिका हुआ है ये बेस होगा। अगर आपका ये वाला एंगल रेफरेंस है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और जिस पे ये खुद टिका हुआ है ये बेस होगा। हाइपोटेनियस हर केस में फिक्स होता है। देखो, वो 90 के सामने वाला ही हाइपोटेनियस होता है। तो आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं ऐसा आशा कर रहा हूँ कि आप लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें हमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस का और भी ज़्यादा रेशियो समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साइन, कॉस, टैन के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।